नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस पे आप लोगों का। आज हम कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान का विज्ञान भूगोल का वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो विनिर्माण उद्योग टॉपिक पे दिया गया है। इस टॉपिक पे पहले भी आप एक वर्कशीट कर चुके हो, ये उसका दूसरा भाग है। तो जैसा कि आप पहले ही जानते हो कि विद्यार्थी के नाम की जगह आप अपना नाम लिखना, कक्षा अध्यापक के नाम की जगह आपको उन सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है जो आपको SST पढ़ाते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो विनिर्माण उद्योग के पहले भाग में आपने पढ़ा होगा कि विनिर्माण उद्योग किस तरह हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है विनिर्माण उद्योग को। लेकिन इस भाग में आप इसे थोड़े अलग नज़रिए से पढ़ेंगे, तो इस अनुच्छेद को पढ़ के हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसका अंत में आपको आंसर भी दिया जाएगा। यानी अब आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, देखो उद्योगों अर्थव्यवस्था की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम बताया उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता। यानी ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। उद्योग हमारे पर्यावरण में चार प्रकार का प्रदूषण करते हैं, जिसमें पहला है वायु, दूसरा जल, तीसरा आपका भूमि और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। इन चारों प्रदूषण को मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहला प्रदूषण है उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योग जब चलते हैं तो उसमें कोयला का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारे हानिकारक गैस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनमें से एक है। तो ये हानिकारक गैसें जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इस प्रकार उद्योग वायु प्रदूषण करता है। अब बात करें जल प्रदूषण की, तो आपने देखा होगा आप में से जो दिल्ली में रहते हों कि यमुना नदी हमारी कितनी प्रदूषित है। उद्योग जो है वो अपने से निकलने वाले कचरे को नदियों में, तालाबों में डाल देते हैं, जिससे वहाँ का पानी गंदा हो जाता है, यूज़ के लायक नहीं रहता, उपयोग के लायक नहीं रहता बिल्कुल भी। तीसरा है भूमि प्रदूषण। उद्योग अगर अपने कचरे को किसी ज़मीन पर डाल दे तो उसमें इतने हानिकारक रसायन निकलते हैं कि वो ज़मीन को बंजर कर देता है, यानी उस भूमि का आप उपयोग नहीं कर सकते कृषि के लिए, उस पर खेती नहीं हो सकती, इतना बंजर कर देता है। नंबर चार पे है आपका, नंबर चार है प्रदूषण का ध्वनि प्रदूषण। आप में से जो भी उद्योग क्षेत्र के पास रहते हो, जिनके घर के बगल में कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग चलता होगा, तो आप देखते हो कि वो बहुत तरह तरह की आवाज़ें करता है, बहुत मतलब अनावश्यक आवाज़ करता है, जिसको आप ध्वनि करता है, जिसको आप सुनना पसंद नहीं करते, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, इसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब हम आगे वर्कशीट को अनुच्छेद को पढ़ते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। हम आगे वर्कशीट को पढ़ेंगे। देखो बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों के देन है, मतलब बहुत सी बीमारियां हमें जो है वो इन्हीं प्रदूषणों की वजह से होती है, और पर्यावरण की भी बहुत सी समस्याएं इन्हीं के प्रदूषणों के देन है। आप आगे पढ़ेंगे, पर्यावरण निम्नीकरण यानी उनकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हम प्रयास करने होंगे, ठीक है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना होगा, हमें उसकी गुणवत्ता जो ख़त्म होती जा रही है उनको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि कारखाने का एक लीटर का अपशिष्ट 8 गुना स्वच्छ जल को दूषित कर देता है। मान लीजिए अगर 1 लीटर जल है तो वो 8 लीटर जल को दूषित कर देगा। आप ये सोच सकते हैं कि कितना भयंकर प्रदूषण करता है। अब हम इसे रोके कैसे, ये तो समस्याएं हैं, अब इसे हमको रोकेंगे। देखो इसे रोकने के लिए जहाँ तक हो हम जल का कल से कम उपयोग करना चाहिए और उनका पुनःचक्रण करके दोबारा उपयोग करें। पुनःचक्रण मतलब उसका दोबारा यूज कर सकते हैं, अगर जहाँ तक संभव आप उनका दोबारा यूज कर लीजिए, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप हर कक्षा में पढ़ते आए हैं कि हम वर्षा के जल को बचा सकते हैं, वर्षा के जल को बचा सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। उसके आगे है कि नदियों और तालाबों में अपशिष्ट जल जाने से रोकना, कि उद्योग जो है अपने जल को नदियों तालाबों में डाल देते हैं जिससे वो गंदा रहता है, हमें नदियों में और तालाबों में अपशिष्ट जल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कारखानों में कोयले की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग होगा, मतलब कारखाने जो है उसमें हम
कोयला की जगह ऊर्जा के नवीन साधन जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बहुत सारी ऐसे ऊर्जा के नवीन संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करते। लेकिन अब ध्वनि प्रदूषण की बात रही तो ध्वनि प्रदूषण के लिए ऐसे मशीन उपयोग में लाएँ जो अधिक ऊर्जा सक्षम हो और कम ध्वनि प्रदूषण करते हो, यानी जो कम आवाज़ करते हो, जिससे हमें ध्वनि प्रदूषण की समस्या से हम छुटकारा पा सके। आजकल बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं दी हुई होती है। आप जब कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो आप देखो उस पर ऐसी सूचनाएं दी होती है कि कम बिजली खर्च करता है, कम आवाज़ करता है, तो आप ये सब चीज़ देख के अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इसके नीचे दिए हुए प्रश्न को समझाते हुए इसको उत्तर को इस पर समझाऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे प्रथम प्रश्न है हमारा ये, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसका उत्तर मैंने आपको ये ऊपर भी समझाया था, आपको बता भी रहा हूँ कि उद्योग से होने वाले प्रदूषणों से उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। तो कैसे, उद्योग से होने वाले प्रदूषणों जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आप देख सकते हो मैंने लिखा है उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, आप ये चीज़ लिख सकते हो। जबकि दूसरा प्रश्न है हमारा, पर्यावरण से उत्पन्न होने वाले कुछ समस्याएं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हो, पर्यावरण से उत्पन्न होने वाले कुछ समस्याएं हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हो। तो अपने आसपास क्या देखते हो, देखो पर्यावरण ऐसी कई समस्या उत्पन्न होती है, जैसे आप कह सकते हो देखो मनुष्य में दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, त्वचा रोग जैसे बीमारियां होती है, इसके लिए प्रदूषण जिम्मेवार है। आपने देखा होगा यमुना में एक भी आपको जलीय जीव मछली जैसी एक चीज़ देखने को मिलेगी, प्रदूषण की वजह से जलीय जीव जंतु का विनाश हो जाता है, और आप ध्वनि प्रदूषण की वजह से हमारे रक्तचाप बढ़ जाते हैं, तनाव और नींद में गड़बड़ी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सारी समस्याएँ हमारे आसपास होती है जो प्रदूषण की देन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसका आंसर आपके पैसेज में ही है, फिर भी मैंने आपको लिख दिया, आप चाहो तो पैसेज से भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए हमने मैंने आपको पैसेज में बताया था कि जल का कम से कम उपयोग करना चाहिए होगा, वहीं पुण्यचक्र द्वारा इनका पुनः उपयोग भी करना है। दूसरे पॉइंट में बताया था कि वर्षा के जल को बचाना है और नदियों और तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा, यानी गंदा पानी नदियों और तालाब में ना जाए, ये भी देखना होगा। कारखानों में कोयलों की जगह ऊर्जा के नए साधनों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रदूषण नहीं करते, और देखो ऐसे मशीनों का उपयोग लाए जो अधिक ऊर्जा सक्षम हो और कम ध्वनि प्रदूषण वाले हो। आप ये देख सकते हो, ये आंसर यहाँ से यहाँ तक है, आप आपके अनुच्छेद में निशान लगा देता हूँ मैं, आप इसे यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो। ये आपके थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि याद आप अपने माता पिता के साथ बाजार उपकरण खरीदने गए तो आप उन्हें खरीदने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखोगे। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप माता पिता के साथ बाजार खरीदने से पहले निम्न बातों का ध्यान रख सकते हैं। एक तो उपकरण ऊर्जा की बचत करने वाला होनी चाहिए, यानी हमें ऊर्जा बचाना चाहिए। दूसरा, उपकरण किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना करता हो, ना ध्वनि प्रदूषण ना वायु प्रदूषण। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप इस वर्कशीट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।